जरा जोर से बोलिए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मणिपुर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान चोबा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव संगठन आदरणीय रामलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिन्होंने ये पूरे उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए सालों लगाए हैं, ऐसे मेरे साथी श्री तापिर गांव जी, श्री शांति भूषण जी, श्री एस बोरबाबू जी, श्री भरत सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री श्री पेमानंद जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, और आज इतनी देर होने के बावजूद यहां पर बैठे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मणिपुर आकर मैं बहुत खुश और आनंदित हूं। 8 घंटे का लंबा समय सफर होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में मणिपुर के भाइयों बहनों को देखकर दिल आनंदित हो गया है। सच अर्थ में मेरा सफर सार्थक हो गया। मित्रों, मैं गुजरात से आता हूं। हमारे गुजरात में गरबा होता है। गुजरात में के गरबा में भी कृष्ण है और मणिपुरी नृत्य में भी कृष्ण है। कृष्ण गुजरात और मणिपुर दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। नॉर्थ ईस्ट का मेरा दौरा 15 तारीख से 28 तारीख तक का है। 3 भागों में यह दौरा रहेगा और मेरा दौरा नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में रात्रि निवास के साथ बना है। 8 राज्यों में मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलने जाने वाला हूं और इसीलिए आज आप सबके बीच में मणिपुर आया हूं। जब हम 2014 का चुनाव लड़ रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई ने कहा था कि देश के 2 हिस्से हैं, 2 भुजाएं हैं, एक तो पश्चिम है और एक पूरब है। पश्चिम की ओर तो विकास बहुत हुआ मगर पूरब की ओर विकास करना अभी बाकी है और नरेंद्र भाई ने सरकार बनते ही पूरब के विकास के लिए कमर कसकर काफी काम करना शुरू किया है। अब नॉर्थ ईस्ट में भी विकास पहुंचने वाला है। मित्रों, आज तक कांग्रेस वाले कहते थे लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखिए, बहुत देखा मगर किया कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है एक्ट ईस्ट, ईस्ट के अंदर काम करिए, पूर्व के अंदर काम करिए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सभी उत्तर पूर्व के राज्य और पूर्व के राज्यों के विकास के लिए कटिबद्ध है। यहां के सभी नागरिकों का देश के खजाने पर इतना ही अधिकार है जितना गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, उत्तर प्रदेश का है। आप सबका भी इतना ही अधिकार, एक समान अधिकार संविधान ने उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को दिया है और विकास के लिए भी सरकार का दायित्व है कि उत्तर पूर्व के राज्यों के विकास की चिंता करे। मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के साथ ही नरेंद्र भाई ने नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी काम करना शुरू किया। अभी हर 15 दिन में 3 कैबिनेट मंत्री
और 5 राज्य कक्षा के मंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं का समाधान करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आते हैं और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, यहाँ की सरकारों को, यहाँ के शासन में बैठे अधिकारियों को बल देने का काम करते हैं। मित्रों, पहले डोनर मंत्रालय जो बना था अटल जी के समय में ही बना था, शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने की थी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाना चाहिए, तभी जाकर नॉर्थ ईस्ट का विकास हो सकता है। मगर कांग्रेस के 10 साल के शासन में ये डोनर मंत्रालय को निष्क्रिय करके रख दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने डोनर मंत्रालय को दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट में भेजने का काम किया है। मित्रों, दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट, पहले आपके नेताओं को, आपके चुने हुए प्रतिनिधियों को, आपके सरकारी अधिकारियों को दिल्ली जाना पड़ता था। आज नॉर्थ डोनर मंत्रालय का सेक्रेटरी हर महीने चक्रीय व्यवस्था से, सर्कुलेशन से एक एक राज्य के अंदर आकर बैठता है और एक एक राज्य की समस्या को सुलझाता है। यही सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे पर आई है। मित्रों, 10 साल तक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की सभी बैठकें कांग्रेस के शासन में दिल्ली में हुई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के बाद शिलोंग के अंदर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक कर एक नई शुरुआत की है। बेंगलोर के अंदर JNU विश्वविद्यालय के अंदर और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर उत्तर पूर्व के जो राज्य के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके एजुकेशन के लिए नई हॉस्टल बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। एक व्यापार सम्मेलन भी किया। व्यापार के बगैर समृद्धि नहीं आ सकती, और समृद्धि को लाना है तो नॉर्थ ईस्ट में व्यापार को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसलिए व्यापार सम्मेलन किया गया जिसमें बांग्लादेश, भूटान और ब्रह्म देश के मंत्री भी आए, भारत सरकार के मंत्री भी आए, और नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास का रास्ता खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक बड़ी समृद्ध परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, कला की परंपरा है। सालों से यहाँ की जनता ने इस परंपरा को संजो कर रखा है और इसी को बढ़ावा देने के लिए सॉन्ग्स एंड डांस ऑफ नॉर्थ ईस्ट करके दिल्ली में अप्रैल महीने में कार्यक्रम किया गया, जिसमें यहाँ के कलाकारों को पूरे देश का प्लेटफॉर्म देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, एक मेगा नॉर्थ ईस्ट उत्सव भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है और इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों को भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया है। नॉर्थ ईस्ट की सड़कों की हालतों को सुधारने के लिए एक ही बजट के अंदर 200 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट की सड़क के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। मणिपुर के अंदर 100 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। यहाँ के बच्चे मजबूत हैं, अगर उनको खेलने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनकी ट्रेनिंग के लिए प्रोविजन किया जाए, इनकी ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर ला दिए जाए, तो मुझे भरोसा है नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हिंदुस्तान को ओलंपिक के में अंदर गोल्ड मेडल दिला सकते हैं। मैरी कॉम के रास्ते पर कई बच्चे आगे बढ़कर देश को सम्मान दिला सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर 100 करोड़ की लागत से एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का तय किया है। मित्रों, 726 मेगावाट का एक गैस आधारित प्लान नरेंद्र भाई ने ऑलरेडी राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, जिससे हमारी बिजली की समस्या है सॉल्व होगी। मित्रों, टोटल अब तक चालू है और नई जो योजनाएं घोषणा की है NLCPR के अंतर्गत, उसकी कुल योजना है नॉर्थ ईस्ट के लिए 1142 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट के लिए दिया गया है।
और एनसीआर के तहत 825 करोड़ रुपया कुल और दिया गया है। कुल मिलाकर 1937 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट को दिया गया है। आप मुझे बताइए, ये 2000 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट के लिए दिया है, इससे नॉर्थ ईस्ट का विकास होगा क्या? होगा? मैं बताता हूं, नहीं होगा। दिल्ली कितना भी पैसा भेज दे, जब तक यहाँ पर भ्रष्टाचार विहीन सरकार नहीं बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट का विकास कोई नहीं कर सकता। मैं आज मणिपुर की इस धरती से पूरे उत्तर पूर्व की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ, पूरी नॉर्थ ईस्ट की जनता के आह्वान करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार में लिप्त सारी सरकारों को उखाड़ कर फेंक दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार विहीन शासन देने का एक मौका दीजिए। भारत सरकार बनने के बाद जितने रुपए नॉर्थ ईस्ट को दिए गए हैं, वो रुपए अगर सीधे आपके बैंक अकाउंट में देते ना, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट की गरीबी दूर हो जाती है, कोई विकास के काम की जरूरत नहीं थी। मगर बीच में कुछ लोग जो है, वो आप तक पहुंचने नहीं देते। मोदी जी कितना भी भेजेंगे, आप बताइए पहुंचेगा क्या? पहुंचेगा? इसलिए आपने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम 2014 के चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लेकर देश की जनता के सामने गए थे और जनता ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। उसके बाद भी महाराष्ट्र का इलेक्शन आया, हरियाणा का आया, झारखंड का आया, जम्मू कश्मीर का भी आया, हर जगह पे कांग्रेस का पत्ता साफ। और मित्रों, कांग्रेस देश को अगर कांग्रेस मुक्त बनाना है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब नॉर्थ ईस्ट के अपने भाइयों और बहनों की है, क्योंकि कांग्रेस की 9 में से 5 सरकारें नॉर्थ ईस्ट के अंदर चलती है और यही सरकारें हैं जो यहां तक विकास को पहुंचने नहीं देती है। मोदी जी चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के हर गांव में बिजली पहुंचे। मोदी जी चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट का हर गांव रोड से जुड़ जाए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर बच्चे को पढ़ने की सुविधा मिल जाए। हम चाहते हैं यहाँ की संस्कृति का रक्षण हो। हम चाहते हैं यहाँ नई इंडस्ट्री आए। हम चाहते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं सुधर जाए। हम चाहते हैं यहाँ रोजगारी पहुंचे। हम चाहते हैं यहाँ के युवाओं को रोजगारी से युक्त किया जाए। मगर हम तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो। और मित्रों, मैं आज आपके माध्यम से, मणिपुर की इस विशाल सभा के माध्यम से पूरे उत्तर पूर्व को संदेश देना चाहता हूं कि देश के साथ जुड़ने का, विकास के साथ जुड़ने का एक ही रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाइए, विकास अपने आप पहुंच जाएगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है वहां पर विकास पहुंचा है। 10% से ज्यादा जीडीपी हुआ, एग्रीकल्चर जीडीपी 15% से ज्यादा हुआ, हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंची है, हर गांव के अंदर एम्बुलेंस की सुविधा पहुंची है, हर तहसील के अंदर ट्रोमा सेंटर बनाया गया है, हर गांव के अंदर स्कूलों की व्यवस्था की है और दुनिया भर के उद्योगों को भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जमीन पर लाने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट इससे अब बाकी नहीं रह सकता। आप लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट के मेरे प्यारे भाई और बहनों ने, एक संकल्प लेना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट अब ज्यादा समय भ्रष्टाचारियों के हाथ में नहीं रहेगा। नॉर्थ ईस्ट को मोदी जी के साथ जोड़ दीजिए, सरकार भाजपा के साथ जोड़ दीजिए। मैं कहता हूं आपको, विकास अपने आप चलकर नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच जाएगा। मित्रों, नरेंद्र भाई ने एक योजना घोषित की थी, जनधन योजना। जनधन योजना के तहत देश के हर गरीब परिवार को
बैंक अकाउंट देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाथ में किया। आजादी के 68 साल के बाद देश की 7% जनता, 60% पॉपुलेशन, इसके पास आज तक बैंक अकाउंट नहीं है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। नरेंद्र भाई ने 15 अगस्त 2014 को एक घोषणा की, इस देश में हम जन धन योजना करेंगे। और मित्रों, 10 महीने में देश के 14 करोड़ गरीब परिवारों के अंदर बैंक का अकाउंट खोलने का काम समाप्त हो चुका है। 14 करोड़ गरीब परिवारों के लिए विकास का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने खोल दिया है। और मित्रों, इतना ही नहीं, इस बजट के अंदर जिन्होंने जन धन योजना का अकाउंट खुलाया है उनको सिर्फ 12 रुपए में 12 रुपीज पर ईयर 2 लाख एक्सीडेंट पॉलिसी का भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की, और 330 रुपए में 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मगर जब तक मैं नाम देना नहीं चाहता, आपके यहाँ मौजूदा सरकार है, मणिपुर के मेरे ट्राइबल भाइयों को ये फायदा नहीं मिल सकता, क्योंकि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मणिपुर के ट्राइबल को, मणिपुर की माइनॉरिटी को विकास के रास्ते पर ले जाए। कोई इंटरेस्ट नहीं। ये तभी हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई की सरकार ने देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का एक मुहिम हाथ में लिया है। जहां पर भी नरेंद्र भाई जाते हैं दुनिया भर में उनका स्वागत होता है। पहले पूरी दुनिया हिंदुस्तान को अलग दृष्टि से देखती थी, आज पूरी दुनिया भारत को अलग दृष्टि से देखती है। भारत को एक सशक्त देश के नाते दुनिया ने देखना शुरू कर दिया है। और नरेंद्र भाई के ये जो अभियान है, मोदी जी का जो अभियान है, उसको बल लेने के लिए नॉर्थ ईस्ट के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, ये बहुत जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट की योजना हो या किसान के लिए की हुई अलग अलग योजना हो, सभी योजनाओं को यहाँ तक पहुंचाने का जरिया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहुंचाने का जरिया भारतीय जनता पार्टी ही बन सकती है। मित्रों, एक महीने के बाद मणिपुर के अंदर हिल काउंसिल के चुनाव, यहाँ पर पहाड़ी से तो ज्यादा लोग नहीं आए होंगे, मगर मुझे मालूम है मैं यहाँ बोलूंगा तो संदेश उन तक निश्चित पहुंचाएगा। एक बार हिल काउंसिल के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर की जनता जीता कर देखे, हम बता देंगे कि भ्रष्टाचार रहित विदाउट करप्शन शासन कैसे होता है, हम दिखा सकते हैं। पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक विकास की हलक जगाई है, एक विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। मैं चाहता हूं कि मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट भी उसके साथ जुड़ जाए। मित्रों, जब तक मैं नॉर्थ ईस्ट नहीं आया था, पहली बार आया, आसाम के अलावे अंदर कभी नहीं आया था, मगर आते ही प्यार हो जाए, इतनी खूबसूरती ईश्वर ने इस नॉर्थ ईस्ट को दी है। इतनी खूबसूरती दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ लाने के लिए ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, जरूरत है उसका माध्यम बनने वाली सरकार। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सबके लिए आने वाले दिनों में एक भ्रष्टाचार विहीन शासन देने के लिए कटिबद्ध है। मैं आज फिर से एक बार पूरी उत्तर पूर्व की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य बनिए, और नरेंद्र भाई के हाथ मजबूत कर कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में आपका योगदान दीजिए। यही अभ्यर्थना, मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।